लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rashansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही पत्नी और बेटा भी ये पद जीता है और समर्थकों ने फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी तो पार्टी से निकाले जाने का गुस्सा दर्द झलका तो सपा राष्ट्रीय महासचिव पर गुस्सा भी फूटा। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव जो सपा से विधायक चुने गए हैं लेकिन राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से विवाद होने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हरिओम यादव सैफई परिवार के नजदीक के रिश्तेदार हैं, पूर्व सांसद तेज प्रताप के नाना हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरिओम यादव के छोटे बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव वार्ड नंबर 29 से पुनः सदस्य चुने गए तो वहीं हरिओम यादव की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सखी यादव वार्ड नंबर 30 से सदस्य चुने जाने पर अपने प्रति जनता के विश्वास पर आज पूरा ठीकरा सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और भाजपा पूर्व मंत्री जयवीर सिंह पर फोड़ा और दोनों को जमकर कोसा और जमकर भड़ास निकाली। दो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुनः चुन के आए हैं, क्या जनता का संदेश रहा है और आपका क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं 29 नंबर वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हम पर और हमारे परिवार पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, हमारी सेवा पर भरोसा किया, इसलिए मैं जनता का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जहाँ तक हमारे परिवार के दो सदस्यों का जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन होना है तो ये हमने टेस्ट किया था कि हम पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से निकालने के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने और उसके लड़के ने यहाँ ऐसा जाल बिछा दिया था और जनता में सपा के जो लखनऊ टाइप के जो भर्ती कर लिए हैं उन्होंने ये कहा था कि हरिओम यादव को उसके परिवार को राजनीतिक हैसियत से ख़त्म कर दो उस चुनाव। पूरा जिला 30 नंबर वार्ड में विजय प्रताप की मम्मी के वार्ड में पूरा जिला जातवार नेता, जहाँ हरिजन थे वहाँ हरिजन नेता लगाए गए, जहाँ बघेल थे वहाँ बघेल नेता लगाए गए और इतनी निष्ठा का परिचय दिया प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कि जात में भी गोत्रवाद, हमने राजनीति गोत्रवाद की नहीं की, हमने राजनीति जनसेवा की है। लेकिन हम पहली बार जान पाए अपने क्षेत्र में कि इस गांव में बिलैनीय रहते हैं, इस गांव में सौंदली रहते हैं, इस गांव में फाटक रहते हैं, इसमें सौरखिया रहते हैं, इसमें रावत, ये हमने पहली बार देखा। इस प्रोफेसर ने समाज को भी बांटने का काम कर दिया तो इसकी बुद्धि पर हम लोगों को तरस आती है कि नेताजी का भी परिवार तोड़ दिया और समाज को भी तोड़ने का काम कर रहा है और फैजाबाद की जनता और फैजाबाद की जनता हम लोग पूरे समाज को, हमने अपने क्षेत्र की और जिले की जनता को सबको रिश्तेदार समझा, सबको अपना समाज समझा, सबको खानदान समझा, सबको अपना घर समझा। लेकिन कितनी निष्कर्ष मानसा के लोग यहाँ बाहर से आ गए हैं तो यहाँ गोत्रवाद वर्गवाद जातवाद में और लोगों को भड़का करके 30 नंबर में विजय प्रताप की छोटू की मम्मी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी प्रोफेसर रामपाल ने, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाया। लेकिन हम जनता को धन्यवाद देंगे, सब पैसा बेकार गया सारी चीज और जनता ने मोहर लगा दी कि हमारे नेता हमारे सेवक हरिओम यादव हैं, उनका परिवार है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे संकट की घड़ी थी, हर पार्टी के किसी के साथ पार्टी खड़ी थी, किसी के पास धन खड़ा था, किसी के पास बल खड़ा था, किसी के पास अपराधी खड़े थे, लेकिन हरिओम यादव के साथ कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर वाला था और जनता थी। ऊपर वाले की कृपा से जनता ने दिखा दिया लोगों को कि हरिओम यादव की सेवा
जनता ने स्वीकार किया और सेवा के बदले में विजय प्रताप को बहुत बड़ी जीत से मैं समझता हूँ आगरा मंडल की सबसे बड़ी जीत होगी। 17,000 वोटों से जिताया है और उनकी मम्मी को जब पूरा जिला रहा जय इस लड़ाई में पहली बार हमने देखा, पहली बार ने हुआ तो कई बार है कि प्रोफेसर और जयवीर मिलकर हमेशा लड़ते रहे, जहाँ भाजपा के प्रत्याशी को इस बार में 5,000-6,000 वोट मिलना चाहिए था उसे 500 वोट भी नहीं मिला, पूरा वोट जयवीरा ने प्रोफेसर से मिलके और पूरा सपा के प्रत्याशी डाल दिया। हमने कहा भी ठाकुरों से तुम्हें तो सपा से बहुत नफरत है, लेकिन अब के सपा के प्रत्याशी से क्यों सपा से ऐसी हमदर्दी आ गई, सपा को वोट कर रहे थे, अरे अपने पार्टी के लोगों को दे दो। नासूर जयवीरा से सावधान रहो, ये प्रोफेसर समाजवादी पार्टी को खत्म कर रहा है और जयवीरा भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहा है, ये दोनों मिलकर दोनों पार्टियों को खत्म कर रहा है, ये षड्यंत्र है और ये पार्टी को ही नहीं खत्म करने का एक वो है कि इस जिले का नेतृत्व खत्म करना चाहते हैं रामगोपाल यादव, जयवीरा तो कुछ है ही नहीं वो तो खत्म है। तो ये प्रोफेसर ये दोनों मिलकर जनता को संकट से उबारना नहीं संकट में डालना चाहते हैं, लेकिन जब तक हरिओम यादव हैं हमारा परिवार मजबूती से राजनीति में खड़ा है तब तक जनता के साथ हम खड़े, जनता के साथ अन्याय उसके नहीं होने देंगे। अब वैसे रामगोपाल को जिला छोड़ देना चाहिए, बेसरमई की अहमता हो गई, लोगों ने लड़के भरा दिया, अब भी सपा को साफ कर दिया है और अभी भी यहाँ जमे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब बिस्तर गोल हो गया, यहाँ से चले जाइए, बेइज्जत चले जाए जिला छोड़ के तो ठीक है ना, अब जनता काला मुँह करके आपको सहते ही भेज देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ इस फरियाबाद की जनता पर रामगोपाल को दया कृपा करनी चाहिए कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कि हमने अन्याय किए हमें माफ़ कर दिए, अब हम लौट वापस इटावा जा रहे हैं। भीड़ है, ये मेरी सलाह है प्रोफेसर रामगोपाल, धन्यवाद।